ओह, गर्मी आ गई, धूप तेज हो गई और फूल जो थे जोबन पे वो अब मुरझाने शुरू हो गए हैं। ये देखें मेरे पेंजीज बेचारे कैसे मुरझाना शुरू हो गए हैं। इतने खिले हुए थे ना, ओह इतने प्यारे, लेकिन अब ये गर्मी की वजह से कमलाने लग गए हैं। हाय हाय, बस ये इसके लास्ट कुछ दिन है, मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बना लें। ये भी देखे हैरान है गर्मी से। स्वीट ये फूल भी देखे कितने प्यारे। ये भी अब आखिरी दमों पर है। पटूनिया, ओफ ये वाइट पटूनिया इतना प्यारा लगता है कोई हद नहीं। और ये सोलर लैंप्स जब रात को अपने आप जल उठते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं हमें अंदर से खिड़कियों में से नज़र आते हुए। अभी चंद धूपियों और पड़ेंगी तो ये बेचारे सारे कुमला जाएंगे। ये दूर तक लंबी क्यारी जो है ना एक पटूनिया की है, ये सारी क्यारी पटूनिया की। ये भी पटूनिया, ये पूरी क्यारी पटूनिया की है। और ये मेरा अभी का कितना प्यारा कलर है इसका, ये मुझे बहुत पसंद है। अभी का पत्ते पहले कैसे ग्रीन होते हैं चमकदार और उसके बाद किस तरह ये पीले और ब्राउन होके अपनी रूट से जुदा हो जाते हैं। ये देखें एबिकस, वेरी प्रिटी कलर एबिकस का। ये भी एबिकस, और ये भी अब बस ख़त्म होने को है। कुछ दिन और अपनी बहार दिखाएंगे और फिर जब धूप बहुत तेज़ हो जाएगी तो ये भी बेचारे ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे पार्सले जो मैं सैलेड में और डिफरेंट डिशेस में इस्तेमाल करती हूँ। ये भी अभी तक कायम है लेकिन कुछ दिनों के मेहमान। इस बार मैंने चेरी टमाटोज जो है ना वो इस क्यारी में लगाए हैं। इनके फूल तो निकल आए हैं, अब कुछ दिन बाद इनके टमाटर भी निकल आएंगे और ये भी खूबसूरत लगेंगे। धूप ने सबकी रंगत को बदल के रख दिया है। ये बेकार शुदा लैम्प शेड्स थे जो यहाँ मैंने दरख्त के साथ रखा दिए सुख चैन के साथ। और ये है हमारे लॉन का क्लोज व्यू। कल की तेज़ हवा झक्कड़ जो तले उससे सारे जो बोगनविला के फूल थे ना
वो गिर गए। इसको वाइट लगते हैं और इस पे रेड कलर के बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये सारे खिले होते हैं। अभी मैं जा रही हूँ ज़रा बाज़ार।